सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है ममता शर्मा की तरफ से। ममता शर्मा का कहना है कि सभी लगभग अब यही चांसेस लग रही है कि सीबीएसई एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर देगा, बच्चों के लिए ऑफलाइन एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन सीबीएसई निकालेगा। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे डिमांड कर रहे, पेरेंट्स डिमांड कर रहे और हर एक स्टेट यही डिमांड कर रहा है कि इस पैंडेमिक के अंदर बच्चों के एग्ज़ाम एक तरीके से खतरा है, तो इस खतरे को देखते हुए अब यही उम्मीद की जा रही है कि सीबीएसई आपके फेवर में फैसला लेगा। वैसे आप सभी को पता ही होगा कि लगभग पांच ऐसे स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर है जो आप सभी के सपोर्ट में है। इसी तरीके से कई सारे जो दूसरे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर है वो आपके अगेंस्ट में तो नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि अगर बच्चों के फ्यूचर के लिए पूछा जाए तो हम बच्चों का फ्यूचर भी अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हर कोई यही चाहता है कि बच्चों को सुरक्षा पहले मिले। तो उसी को देखते हुए कई सारे जो पॉलिटिशियन है वो आपके सपोर्ट में है, लगभग अब यही चांसेस बन रहे हैं ममता शर्मा के अकॉर्डिंग। तो ममता शर्मा हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो केस देख रहे हैं उनका यही कहना है कि सभी का कहना यही है कि सीबीएसई के क्लास 12th के एग्जाम ऑफलाइन मोड से नहीं हो पाएगी। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और आप सभी के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये। आप सभी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके एग्ज़ाम हाई चांसेस ये है कि अब ऑफलाइन वे से नहीं होगी। बाकी कोई दूसरी जानकारी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी ममता शर्मा ने ट्वीट करके बताया था बच्चों को और बच्चों को एक गुड न्यूज़ दी थी, तो मैं सोचा कि इंपॉर्टेंट आप सभी को बता दूं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। बाकी अभी यही इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसी तरीके कोई दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी घर पर रहो, सेफ रहो।